नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्मिता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिसर्च के अनुसार ऐसा माना गया है कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट्स है। डायबिटीज़ एक बहुत ही कॉमन बीमारी है आज के कंडीशन में, डायबिटीज़ एक बहुत ही कॉमन बन गई है। तो आज मैं आपको बताऊंगी ऐसी टेस्ट यानी फास्टिंग और पोस्ट मील के अलावा आप कौन सी टेस्ट करें जिससे आपको पता चले कि आप डायबिटिक हो एंड नॉन डायबिटिक हो, और उस टेस्ट का नाम है HbA1c। ये टेस्ट आप खाली पेट भी कर सकते हो या फिर कभी भी कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये टेस्ट आपको खाली पेट ही करवानी है। अगर आपको आपका HbA1c अगर 6.5 से नीचे हो तो आप नॉन डायबिटिक हो, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका HbA1c अगर 6.5 से ऊपर हो तो आप डायबिटिक हो और आपको मेडिकेशन की ज़रूरत है और आपको डायबिटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। आपको क्या करना है, आपको आपकी लाइफस्टाइल चेंज करनी है, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, आपको खाने में से चीनी हटानी है और आपके डाइट का आपको ध्यान रखना है। साथ ही में आपको स्मोकिंग भी अवॉइड करनी है, अल्कोहल ड्रिंकिंग भी अवॉइड करनी है, और हो सके तो स्ट्रेस से दूर रहना है। हार्ट के बीमारी के बाद में डायबिटीज़ एक बहुत ही कॉमन बीमारी बन गई है। HbA1c आप ज़रूर करवाएं और ये कुछ 400-500 रुपए में होने वाली टेस्ट है। डायबिटीज़ दो टाइप के होते हैं, डायबिटीज़ इंसिपिडस और डायबिटीज़ मलाइटस। इसमें डायबिटीज़ में क्या होता है कि आपके बॉडी में इंसुलिन कम हो चुका होता है, और इसके वजह से ब्लड सेल्स जो है वो शुगर यूज़ नहीं कर पाती, और जब आप टेस्ट करवाते हो तो आपके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ कर आती है। टाइप 1 डायबिटीज़ के पीछे रीजंस क्या होते हैं, कौन से कारण छिपे होते हैं? टाइप 1 डायबिटीज़ के पीछे ऑटो इम्यून रीजंस होते हैं। पैनक्रियास के जो बीटा सेल्स होते हैं उनमें डिस्ट्रक्शन हो जाता है, और उसकी वजह से पैनक्रियास जो है वो इंसुलिन फॉर्म नहीं कर पाता। और टाइप 2 डायबिटीज़ ये जो होती है वो 90% केसेस ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स यानी लोगों में देखी जाती है। इसमें क्या होता है, एक तो आपकी बॉडी इंसुलिन कम मात्रा में बना रही हो, या फिर आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो गया हो। अब हम बात करेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में। जेस्टेशनल डायबिटीज़ है वो डायबिटीज़ होता है जो कि प्रेग्नेंट वीमेंस में या तो फिर प्रेगनेंसी के दौरान आपको देखने को मिलता है। जो भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है यानी जेस्टेशनल डायबिटीज़ की शिकायत होती है जो प्रेग्नेंट फीमेल्स में, उनके बच्चे में कुछ डिफेक्ट होने की संभावना होती है, जैसे कि कार्डियक डिफेक्ट, कंजेनाइटल एनोमली, प्रीमैच्योर बर्थ भी हो सकता है, या फिर कभी कभार फिटल लॉस भी हो सकता है। इसके पीछे क्या कारण होता है, जो प्रेग्नेंट वीमेन होती है, जो मदर होती है, उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो गया होता है और इसके वजह से उनको डायबिटीज़ हो चुका होता है। अब सिम्टम्स क्या होते हैं डायबिटीज़ के, ये आप सभी लोगों को पता है, लेकिन मैं ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ कि जिन लोगों के लिए अभी भी डायबिटीज़ एक नया डिसीज़ है और उन्हें पता नहीं है कि डायबिटीज़ के लक्षण क्या होते हैं। तो जो डायबिटिक के लक्षण होते हैं उनमें डायबिटीज़ पेशेंट्स होते हैं उनमें एक्सट्रीम वीकनेस होता है, यानी थकान बहुत महसूस होती है, बार बार यूरिन को जाना पड़ता है, भूख बहुत लगती है, आँखों से रिलेटेड समस्या भी होती है, बॉडी में बर्निंग होती है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, वज़न घटने लगता है। कई केसेस में तो कुछ सिम्टम्स होते भी नहीं है, यानी असिम्टोमेटिक होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी ब्लड शुगर बढ़कर आती है। तो आज मैं बताऊंगी आपको ऐसी कुछ कारगर होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि आपके डायबिटीज़ को मैनेज करने में आपको हेल्प करेगी। अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे हो, एलोपैथिक की टैबलेट और डायबिटीज़ की टैबलेट अगर आप खा रहे हो, तो एक घंटे का डिस्टेंस रखकर आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हो। होम्योपैथी क्या करेगी कि आपके डायबिटीज़ को मैनेज करने का काम करेगी, यानी अगर जो मेडिसिन के डोजेस आप एलोपैथिक मेडिसिन के डोजेस आप खा रहे हो वो डोजेस कम करने में आप
आपको हेल्प करेगी और धीरे धीरे करके आपकी शुगर लेवल नॉर्मल हो जाएगी। तो डायबिटीज़ को साइलेंट किलर माना जाता है, इसलिए आप कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के परामर्श के बगैर ना लें। अगर आपको डायबिटीज़ हो और आपको बार बार यूरिन को जाना पड़ रहा हो, आपको भूख बहुत लग रही हो लेकिन आपका वज़न बहुत घट रहा हो, आपको इमेसिएशन की कंडीशन आप में हो रही हो, तो इस कंडीशन में एब्रोमा एंगुस्टा आप मदर टिंचर की 20 बूंदे आप आधे कप पानी में 2 बार दिन में ले सकते हो। यानी अगर आपका जो मसल वेस्टिंग आपकी हो रही हो और आपको जो थकान महसूस हो रही हो, ये एब्रोमा एंगुस्टा आपके सिम्टम्स कवर कर देगी। सो व्हेन देयर इज़ अ वेट लॉस, देन एब्रोमा एंगुस्टा इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस। डायबिटीज़ के बीमारी में क्या होता है कि कभी कभी पेशेंट को जब सुबह पेशेंट उठते हैं तो उनका मुँह पूरा सूखा हो जाता है, यानी ड्राइनेस ऑफ माउथ रहता है और उन्हें लगता है मैं कब पानी पीऊँ, और साथ में कुछ गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स भी रहती है जैसे फ्लैचुलेंस, इंडाइजेशन। तो इस कंडीशन में कार्बोवेज 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार आप 2-2 बूंद यूज़ कर सकते हो। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है कि जो आँखों को बहुत नुकसान पहुंचाती है, विजन में बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो अगर आपको डायबिटीज़ हो और साथ में विजन की भी शिकायत हो, तो इस कंडीशन को दूर करने के लिए होम्योपैथी में एक कारगर मेडिसिन है जिसका नाम है फॉस्फरस। फॉस्फरस 1 mg पोटेंसी की 3 खुराक हफ्ते में से 1 बार आपको खानी है, तो आपको इस कंडीशन में काफ़ी राहत मिलेगी। अगली मेडिसिन है इंसुलिनम। ये मेडिसिन क्या करेगी कि आपके पैनक्रियाज में इंसुलिन का सिक्रेशन करने में हेल्प करेगी। और एक बार अगर आपका इंसुलिन बनना अच्छे से अगर इंसुलिन प्रॉपर लेवल में आ गया, तो फिर आप जो इंजेक्शंस खा रहे हो उनके यूनिट भी धीरे धीरे कर कम हो सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है सिफेलांड्रा इंडिका। ये टाइप 2 डायबिटीज़ की बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। अगर आपको चक्कर आते हो, घबराहट होती हो, थकान महसूस होती हो और बार बार यूरिन को जाना पड़ रहा हो, तो आप इस कंडीशन में सिफेलांड्रा मदर टिंचर की 15 बूंदे दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी में आप ले सकते हो। अगली मेडिसिन है साइजिजियम जाम्बुलैनम। एक रिसर्च के अनुसार ऐसा माना गया है कि जो पेशेंट साइजिजियम जाम्बुलैनम का यूज़ करते हैं उनकी शुगर लेवल काफ़ी हद तक नॉर्मल रहती है। तो आपको साइजिजियम मदर टिंचर की 15 बूंदे दिन में 3 बार आधे कप पानी में आप ले सकते हो, तो ये आपको अच्छा रिजल्ट देगी डायबिटीज़ में। और लास्ट मेडिसिन है जिम्नेमा सेल्वेस्टर। अगर आपका वज़न घट रहा हो, इसके पेशेंट में क्या होता है कि चिड़चिड़ापन बहुत बढ़ जाता है, इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, वज़न घटने लगता है, थकान महसूस होती है और काफ़ी भूख लगती है और बार बार यूरिन को जाना पड़ता है और पूरे बॉडी में जो है वो बर्निंग महसूस करता है, अगर ऐसी कंडीशन हो तो जिम्नेमा सेल्वेस्टर मदर टिंचर की 10 बूंदे दिन में 3 बार आधे कप पानी में आप ले सकते हो। इनके अलावा एसिड फॉस, नेट्रम सल्फ, लाइकोपोडियम, यूरेनियम नाइट्रिकम, मेडोराइनम, ये भी कुछ कारगर होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि डायबिटीज़ को मैनेज करने में हेल्प करती है, जो हम पेशेंट को सिम्टम वाइज देते हैं। होम्योपैथी में सेम डिसीज़ के अलग अलग मेडिसिन होते हैं जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आज आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही यूज़फुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।